जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में हुई शुरू। कोरोना मंत्री राम खिलावन पटेल ने ली आपदा प्रबंधक की बैठक। रीवा कलेक्टर कार्यालय में 22 अप्रैल 2021 को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा कोरोना नियंत्रण के लिए रीवा जिले के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने किया। बैठक में समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें रीवा के समस्त विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए चर्चा की गई है। मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए रीवा जिले की जनता से अपील किए हैं कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाठक की खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबको समय से दवाई मिले, समय से एडमिशन हो, और जिसको जो रेमडेसिविर की आवश्यकता तो रेमडेसिविर, आईसीयू की ज़रूरत है आईसीयू, इस सब विषयों पर चर्चा हुई है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त बेड की व्यवस्था है, और आने वाले समय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सारी पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। पर्याप्त फंड है, जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी खर्च करके निश्चित रूप से मानवता को बचाने का काम होगा। और सबसे आवश्यक ये हुआ है, आप लोग भी गांव में, कस्बे में, शहर में ये प्रसारित करें कि स्वयं में वो जनता कर्फ्यू लगाएं, जिससे जो ये संक्रमण की चैन है वो टूटे, उसमें आप लोगों का भी सहयोग बहुत आवश्यक है। सर, जमीनी स्तर का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है, स्वयं किया गया है क्या? मैं जमीनी स्तर पर कल 4 विधानसभाओं में गया हूँ, आज भी हम 4 विधानसभाओं में जा रहे हैं, और वहाँ ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सबको जन जागृत करके कि लोग घर से न निकले। हमने जिला पंचायत के सीईओ को, यहाँ के जो आपके नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनको निर्देश दिया है कि वार्ड स्तर पर सामाजिक संस्थाएं के जनप्रतिनिधियों की एक टीम बना दें और स्वयं प्रेरित करें कि आप लोग घर से निकले, तभी ये संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। सर, देखा गया कि पेशेंट पहुंच रहे हैं अस्पताल, उनको अस्पताल में लिए नहीं जाता, कल 4 पेशेंट दिन भर भटकते रहे, घर जाना पड़ा। नहीं, उसके लिए भी निर्देश दिया है कि जो जहां मरीजों की भर्ती हो 24 घंटा खुला रहे, और उसको भर्ती करके अगर जनरल ऑक्सीजन वाले बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन वाला बेड दिया जाए, आईसीयू की ज़रूरत है आईसीयू दिया जाए, और नॉर्मल बेड की ज़रूरत है नॉर्मल बेड दिया जाए, 24 घंटे वो जो है भर्ती वाले सेंटर खुले रहे। कल सर मैं खुद था, खुद लेके भटक रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, डॉक्टर्स केवल सिफारिश करने के बाद एक उसको भी छोड़ दिए, केवल नहीं ले पाए। अगर ऐसी कोई बात है तो हम अभी कलेक्टर साहब को निर्देश देंगे, जांच करा के निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, इंजेक्शन की कालाबाजारी को कैसे रोकेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कालाबाजारी को अक्षर से रोकने का काम करना है। अभी हमने कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि उसकी जाँच करा लें, अगर ऐसा कोई दोषी पाया गया होगा, अगर किसी ने ऐसा कालाबाजारी करने का काम किया होगा, निश्चित उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।